जय हिंद सोल्जर्स, जय हिंद सोल्जर्स। यहाँ पे देखिए, हम एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए, हम यहाँ पे देखिए अग्निवीर के लिए जो यहाँ पे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, मतलब ये कि आपका आपके जितने टॉपिक से, मतलब चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्विपोटेंशियल, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इन टॉपिक के हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। मतलब क्लास ट्वेल्थ की पहले फिजिक्स यहाँ पर कराई जा रही है, इसके बाद में क्लास इलेवंथ, 15 दिन के भीतर आपसे दोनों क्लास इलेवंथ और क्लास ट्वेल्थ में फिजिक्स में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एयरफोर्स नेवी एनडीए के लिए, अग्निवीर अग्निवीर योजना के लिए, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सभी करा दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल डेली आपको 10 बजे सुबह वीडियो मिल जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली मेहनत बहुत तेज़ी से करते रहिए, क्योंकि बहुत ही कम समय आपके सामने बचा है, 24 जुलाई के आपका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर आप पहला दूसरा सेट जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज, मतलब सर समविभव पृष्ठ जो होता है, समविभव पृष्ठ जो होता है उसमें से जो जो फ्लक्स होता है वो किस प्रकार होता है मेरे भाई। तो आपको पता होगा कि इस प्रकार का कोई, मान लीजिए कोई सरफेस है, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, समविभव पृष्ठ है, मान लीजिए तो इसमें जो फ्लक्स होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, आपको पता होगा, आपको शायद पता होगा, आप ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, परपेंडिकुलर होता है। तो ए ऑप्शन जो आपका है, पृष्ठ जो है लंबवत होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। आई होप आपको क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, आज का सेट 1 नंबर का बेहतरीन सेट है। कॉन्सेप्ट यदि आपसे नहीं आते हैं तो ये सेट आप मुश्किल है कि कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट आपसे आना चाहिए तभी ये सेट आप कर सकते हैं, ठीक है ना। टू चार्ज स्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर आर कनेक्टेड बाई थिक वायर, मतलब सर एक ये कंडक्टर है, ठीक है, जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, एक ये दूसरा कंडक्टर है जिसका सेंटर जो है 15 सेंटीमीटर है, एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है, नो करंट फ्लो इन इट, मतलब इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही है। इफ़ कब, मतलब सर हिंदी मीडियम वाले समझेंगे, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर त्रिज्याएं के जो आवेशित गोला हैं उन्हें एक पतली तार से उसको कनेक्ट कर देते हैं, फिर भी उसमें धारा फ्लो नहीं होती है, मतलब धारा का प्रवाहन जो है वो नहीं होता है। क्या रीज़न है कि धारा का प्रवाह नहीं होती है जबकि दोनों एक वायर से कनेक्ट है, फिर भी क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज जो पोटेंशियल है, जो विभव है दोनों का, वो क्या है, सेम है। तो बी ऑप्शन, आई होप आपको क्लियर होगा, बी ऑप्शन सेम है, मतलब सर यदि पोटेंशियल भी यदि सेम हुआ दोनों में तो करंट फ्लो नहीं होगी, आज के बाद में याद कर लीजिएगा, यदि वी सेम तो आई जो है फ्लो नहीं होगी, भी यदि सेम, भी क्या है, पोटेंशियल मतलब विभव यदि इस कंडक्टर को जिस कंडक्टर का सेम हो जाए तो जो करंट है वो नहीं फ्लो होगा, करंट जो फ्लो है वो जीरो हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल सरल क्वेश्चन था, कोई इसमें दिक्कत नहीं जाने वाली है, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं गई होगी, आई होप, मुझे ऐसा आशा है कि आपको कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं गई है। इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस के बीच में आप एंगल बता दे सकते हैं, एंगल कितना होता है, समविभव पृष्ठ और विद्युत फ्लक्स जो बल होती हैं, बल रेखाएं होती हैं, उसमें एंगल कितना होता है, तो अभी अभी पढ़ के आए हैं कि जो समविभव पृष्ठ होता है उसके लंबवत होती हैं, मतलब परपेंडिकुलर होती हैं, मतलब 90 डिग्री का जो एंगल है वो 90 डिग्री के एंगल जो है 90 डिग्री का कोण है, कोण बनाएंगी समविभव पृष्ठ और इलेक्ट्रिक लाइन्स के बीच में 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनने वाला है। क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर है ना, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन आपके IAF इंडियन एयरफोर्स में आ चुका है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार रखिएगा, कंफ्यूज पेपर में नहीं होइएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है कि एक चार्ज है 5 कूलम का, ठीक है, एक आवेश है 5 कूलम का, ठीक है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0.5 मीटर है, उसमें जो आवेश का विस्थापन है, विस्थापन किया जाता है वो 0.5 है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ठीक है, तो उसमें वर्क डन जो है इज 10 जूल है ना,
10 जूल है, देन पोटेंशियल डिफरेंट बिटवीन टू बॉडी इज। समझने का बात करिएगा, मैं आपको समझाता क्या हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, एक एक बात को गौर से सुनिएगा कि यहाँ पे एक चार्ज है, उसको डिस्प्लेस करते हैं, उसको विस्थापित करते हैं 0.5 मीटर, ठीक है, उसको विस्थापित करते हैं, तो जो उसमें वर्क डन है वो 10 जूल होता है। तो पोटेंशियल आपको बताना है डिफरेंट पॉइंट के लिए, तो पोटेंशियल आपका कितना होने वाला है पोटेंशियल। तो आप पहले ये बताइए कि ध्यान से, W इज इक्वल पोटेंशियल V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है क्या? हाँ, W अपॉन Q होता है क्या? यस सर, W अपॉन Q होता है। तो V इज इक्वल टू, W की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे भाई? 10 दी हुई है सर, और Q की वैल्यू जो है 5 दी हुई है मेरे भाई, काट दीजिए तो कितना आ गया? 2 आ गया। 2 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है, 2 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इतनी छोटी सर कैलकुलेशन। सर देखिए, एग्ज़ाम में आपके एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसका रीज़न ये है कि आपका जो टाइमिंग है, जो क्वेश्चन करने का टाइमिंग है, वो बहुत ही कम समय मिलता है, इसलिए बहुत कम टाइम में आपको क्वेश्चन को करना पड़ता है। इसलिए देखिए, क्वेश्चन बड़ा है, आपको पढ़ने में टाइम लग जाता है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट यदि बनता है तो आप तुरंत कर सकते हैं। बिल्कुल सरल न्यूमेरिकल था, कोई दिक्कत नहीं है आपको, केवल पोटेंशियल का आपको फार्मूला रख देना था, बाकी वैल्यू आपको गिवन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में। डायमेंशन फार्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, डायमेंशन फार्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का कमेंट बॉक्स में सभी आर्मी, सभी अग्निवीर, एक एक आदमी इस क्वेश्चन का जो ये क्वेश्चन है, डायमेंशन फार्मूला आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो बताना है वो आपको ज़रूर बताना है। मैं आपके सामने इसका जो फार्मूला वो लिख सकता हूँ, VA - VB इज इक्वल टू W/Q, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, या कि V इज इक्वल टू W/Q, कुछ भी लिख दीजिए, बिल्कुल दोनों सही हैं। तो इसका आपको डायमेंशन बताना है मेरे भाई, डायमेंशन बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है इसका डायमेंशन क्या होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे यदि आप देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में क्या करता है, टू स्फेयर ए एंड बी आर चार्ज विथ इक्वल चार्ज। ए और बी दो स्फेयर हैं, ए और दो जो हैं आवेश क्यू है ना, ए और बी दो ठो मतलब कोई बॉडी है, ठीक है, इस प्रकार की कोई बॉडी है दो ठो, कोई दिक्कत, ध्यान से देखिएगा मैं बता कह रहा हूँ, इस तरह की दो बॉडी हैं जिसमें से जो चार्ज है वो दोनों का सेम है, इक्वल चार्ज है, जो आवेश है वो दोनों में क्या है मेरे भाई, क्यू है, मतलब दोनों में क्या है, बराबर है, इक्वल है। यहाँ पर नोट करके देखिए, इक्वल है मतलब इसमें भी क्यू है और इसमें भी क्यू है, चार्ज सेम है। तो आपको पोटेंशियल बताना है ए रिस्पेक्टिवली बी, मतलब ए की तुलना में बी, ए और बी के तुलना में आपको पोटेंशियल बताना है कितना होने वाला है, कितना, जब क्यू सेम है, यदि चार्ज सेम होगा मेरे भाई, आप ये बताइए, क्यू जो भी इज इक्वल टू W/Q होता है, या कि भी इज इक्वल टू KQ/R होता है, ठीक है, यदि क्यू जो है सेम है मतलब कांस्टेंट है, तो भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/R के, या कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल R के है, ठीक है, आर के है। तो यहाँ पे देखिए, चार्ज जो सेम है, चार्ज पे पोटेंशियल डिपेंड करता ही नहीं है, पोटेंशियल डिफेंस करता है डिस्टेंस पे, यदि डिस्टेंस को बढ़ा दोगे पोटेंशियल घट जाएगा, डिस्टेंस को घटा दोगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा। सर ये आप बता क्या रहे हैं, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि यहाँ पर चार्ज सेम बोल रहा है मेरे भाई, यहाँ पर चार्ज सेम बोल रहा है, ध्यान से कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई करेंगे, चार्ज जो है दोनों में सेम है, चार्ज सेम है तो जो पोटेंशियल ए और बी का वो अनिश्चित होगा सर, इक्वल नहीं होगा, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, इक्वल नहीं होगा, क्योंकि क्यू पे पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता मेरे भाई, क्यू पे पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है, पोटेंशियल जो है आर पे डिपेंड करता है, फार्मूला में लिखा है तो ज़रूरी नहीं है जो चीज़ फार्मूले में लिखा होता है उस चीज़ में वो चीज़ डिपेंड करती है। आयो आपको बचपन से बता दिया गया है कि मान लीजिए F=MA लिखा है, तो F जो है M पे डिपेंड कर रहा है और A पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फार्मूला में कोई चीज़ लिखा है तो वो डिपेंड ही करे। तो यहाँ पर इनडिटरमाइन हो
होगा, क्योंकि चार्ज की बात है, अगर डिस्टेंस सेम होता, मतलब यदि रेडियस दोनों की सेम होती, रेडियस यदि दोनों की सेम होती तो मेरे भाई तब भी सेम होता, भी सेम होता, क्योंकि रेडियस पे भी डिपेंड करता है। आई होप आपको क्लियर है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, बार की बार बता रहा हूँ, याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन आया है और यहाँ से इस क्वेश्चन में लपेट दिए जाते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल इज मेजर, पोटेंशियल को मेजर कर सकते हैं किस पे, मतलब सर किसी भी बिंदु पर आवेश का मापक है, किसी भी बिंदु पर आवेश का मापक। पोटेंशियल क्या होता है मेरे भाई, पोटेंशियल क्या होता है, एक प्रकार की एनर्जी ही होती है, ऊर्जा होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लगभग नहीं आते, लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैं करा दिया हूँ, क्योंकि अच्छी अच्छी जो बुकें होती हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, देखिए क्वेश्चन लेंथी दिख रहा है, लेकिन बेटा मेरे एग्जाम में, आपके एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, आप समझने की कोशिश करिए, इस प्रकार के एग्जाम में आपके आते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद में जवाब देने की कोशिश कीजिए। जितना बड़ा क्वेश्चन है उससे कुछ भी मतलब नहीं, आपको डायग्राम में देख के आप बता सकते हैं, डायग्राम में देख के बता सकते हैं, आपको पता होगा कि पोटेंशियल जो है यहाँ पे सेंटर पे, इस पॉइंट पे, मैं देख रही है ध्यान से, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बिल्कुल सेम होता है, मतलब VA बराबर VC होता है, आपको पता होगा पोटेंशियल ये दोनों में बराबर होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। डायरेक्ट आप क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन नहीं भी पढ़ रहे हैं तो डायग्राम देखें और पूछ क्या रहा था, पोटेंशियल देख लिए, पोटेंशियल तीनों में देखना था। तो हमने देखा कि जो पी पॉइंट है उसमें तो पोटेंशियल बेटा अलग से होता है, लेकिन सर जो ए पॉइंट है और जो पॉइंट सी है, मतलब सर ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, इन दोनों में पोटेंशियल बराबर होता है, वो तो हम बहुत दिन से जान रहे हैं, जब से कॉन्सेप्ट फिजिक्स में आए हैं तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम करते चले हैं। इसके बाद में इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्वेश्चन का ध्यान से, आपको टाइम दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन का आप जरूर ध्यान से जवाब देने की कोशिश करें। देखिए मैं जल्दी क्यों कराता हूँ मेरे भाई, मैं यहाँ पे देखिए वीडियो जो है रात के 12 से 1 बजे के बीच में मैं दिखा सकता हूँ आपको अपने मोबाइल में। देखिए आप यहाँ पे ऊपर देखिए, कोने में देखेंगे तो 12:44 हो चुके हैं। तो थोड़ा सा मेरे को रात को वीडियो बनाना पड़ता, उसका रीज़न ये है कि मेरे भाई यदि आपको यहाँ वहाँ की आवाज़ आएगी मेरे माइक से तो आपको डिस्टर्ब होने वाला है, इसलिए आप मेरे उसको जागना पड़ता है जब सब कोई सो जाता है मेरे घरों में, जब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए, चलिए टाइम वेस्ट फालतू मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एट व्हाट पॉइंट द चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है विद्युत विभव जो होता है वो अधिकतम किस बिंदु पर होगा। आपके सामने है शीर्ष पर, ये सब आपके सामने ऑप्शन दिए हुए, किस ऑप्शन में, सभी बिंदु पे। ठीक है, बॉटम पे, वर्टेक्स में, एवरी एंड पॉइंट में, सभी जगह जो है पोटेंशियल जो होता है मैक्सिमम होता है, मतलब सर यहाँ भी मैक्सिमम हो सकता है मेरे भाई, या और अगर आप थोड़ा सा दूर पॉइंट लें वहाँ भी मैक्सिमम हो सकता है, इसीलिए तीनों पॉइंट आपके बिल्कुल करेक्ट दिए हुए थे, इसलिए तीनों आपके जो आंसर हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा। रेडियस ऑफ द सॉप बबल हुज द पोटेंशियल इज 16 V इज डबल। ठीक है, यदि सर ध्यान से समझिएगा, रेडियस जो है पोटेंशियल जो है 16 दिया है, लेकिन यदि रेडियस ऑफ सॉप बबल का डबल कर दिया जाए तो न्यू पोटेंशियल कितना होगा, डबल कर दिया जाए तो पोटेंशियल जो है भी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर के होता है, यदि आप इसको डबल करेंगे तो ये मेरे भाई आधा होगा। आपको ये कॉन्सेप्ट क्या पता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, 16 पोटेंशियल है अभी, ठीक है, लेकिन यदि रेडियस को डबल कर दें, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, यदि त्रिज्या को डबल कर दें तो पोटेंशियल 16 वाला जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, तो भी हमें पता है भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के होता है। अब यदि रेडियस को डबल करोगे तो ये आधा होगा कि नहीं, दूसरी पेन से मैं लिखे दे रहा हूँ, अगर रेडियस को डबल करोगे तो ये मेरे भाई आधा होगा, मतलब सर 16/2 काट दोगे मेरे भाई, तो काट
दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 8, बिल्कुल 8, बिना कैलकुलेशन के आंसर, बिना कैलकुलेशन के आंसर, यही कॉन्सेप्ट है इसका मेरे भाई। इसके अलावा आप सोचें कि बड़ी मेथड में जाएंगे, किसी भी एजुकेटर के साथ पढ़ लीजिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ मेरे भाई, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब रेडियस को डबल, 4 गुना 3 गुना 5 गुना, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि जो चीज़ गिवन है उस चीज़ का रिलेशन पता होना चाहिए। पहले वीडियो में भी मैं आपको बताया था, पहले सेट में भी इस चीज़ को समझाया था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो भीज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है, ये फार्मूला, यहाँ से मैंने रिलेशन देखा तो भी और आर के बीच में रिलेशन देखा तो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर, आर को 2 गुना कर रहे हैं तो ये 2 गुना घटेगा, घटेगा तो 16 था तो 16/2 कर दोगे, 16/2 कर दोगे तो 8 आपके सामने उत्तर आ गया, कोई दिक्कत। इस प्रकार आपको इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा मेरे भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कठिन लगे चाहे सरल लगे लेकिन क्वेश्चन इस प्रकार के आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तो समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा तो समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि मतलब टॉपिक का नाम बताइए, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक के जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक के करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो टॉपिक को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं मेरे भाई। आज का लास्ट वीडियो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, इसके बाद में हम गॉस थ्योरम से रिलेटेड, कैपेसिटेंस से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी इस वीडियो को पूरा हो जाने दीजिए, इसके बाद अभी आप कहीं भी नहीं जाने वाले हैं, ठीक ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइमिंग देना पड़ेगा, आप ध्यान से जब तक क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जितना भी लिखा है आपको क्वेश्चन को ध्यान से नहीं दे पढ़िएगा, इसके बाद में अगर बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिए, लिखा हुआ 10 इलेक्ट्रॉन आर इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स्ड अराउंड द सर्कल, 10 इलेक्ट्रॉन है जो कि इक्वल स्पेस में है और एक सर्कल में रख दिया जाए, मतलब इस प्रकार रख दिए गए इलेक्ट्रॉन 10 जिनका रेडियस जो है, ये जो रेडियस है वो बिल्कुल आर है, भी जो है 0 at infinity, हमेशा पता है कि जो पोटेंशियल होता है इन्फिनिटी में 0 होता है, तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर। तो मेरे भाई आपको पता होगा एक ये स्फीयर बन गया, स्फीयर में जो स्फीयर के इनसाइड में ई जो होता है वो 0 होता है, लेकिन भी इज़ नॉट इक्वल टू 0 या कांस्टेंट होता है, आपको पता होगा भी कभी भी 0 नहीं होता, भी जो है सेंटर में कितना होता है, सरफेस के बराबर होता है, पता है क्या है आपको, हाँ। तो ई और भी के बीच में पूछा है, जब ई और भी के बीच में पूछा है तो भी क्या हमें हो जो ई है वो तो इनसाइड में तो 0 हो जाएगा, ई जो है यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो कटे, ठीक है। अब इसके बाद में भी जो है, भी जो है सेंटर में 0 नहीं होता है मेरे भाई, आपको पता होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे सेंटर में 0 नहीं है, यहाँ पे 0 है, तो ये तो गया और आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्या आपको समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल एक सर्कल बन गया, सर्कल के अंदर अब से स्फेयर बन गया, स्फेयर के अंदर ई बराबर 0 होता है आपको पता है, और भी जो है 0 नहीं होता है, या कि इस लैंग्वेज की जगह, इस लैंग्वेज की जगह, इस लैंग्वेज की जगह आपको ये भी लिख सकता था कि भी जो है, भी जो है कांस्टेंट है, भी जो है क्या है मेरे भाई, कांस्टेंट है, क्योंकि भी जो है इनसाइड में उतना होता है जितना बाहर होता है, क्लियर है क्वेश्चन, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होने वाली है, क्योंकि आप धीरे धीरे, आपसे कॉन्सेप्ट भी आपके धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अब यहाँ वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ वाले क्वेश्चन में अब समझने की बात है आपकी कि 2 चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव और सेपरेटेड एट डिस्टेंस एट सर्टेटली मिड, मिड में आपको बताना है, ठीक है, मिड पॉइंट में आपको बताना है क्या है, 2 आवेश हैं, एक ऋण आवेश है, एक धन आवेश है, एक निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं, तो उनके बीच, बीच में स्थिति बिंदु पर, उनके बीच में स्थिति, देख एक पॉजिटिव चार्ज ये है, एक निगेटिव चार्ज ये है, तो यहाँ कहीं कोई पॉइंट है, यहाँ पे आपको क्या बताना है मेरे भाई, इन रिलेशन को सेट करना है, तो सेंटर है मतलब, मतलब सर ये पॉजिटिव ये, तो ये इसका हो गया सर सेंटर, ये दोनों चार्ज के बीच में ये हो गया सेंटर, सेंटर में जो सर वो जो ई होता है वो 0 पर ए भी जो है इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये हो गया, उस बार लैंग्वेज में आया था, इस बार आपका किस में आ गया मेरे भाई, इस बार आपका लैंग्वेज में आ गया, उस बार आपका किस में आया था, उसमें आपका
डायरेक्ट आया था तो ये विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाएगा, क्योंकि सर जब दो दो चार्ज रखे हैं तो उनके बीच में वो सेंटर में पूछ लिया तो सेंटर में आपको पता है ई जीरो होता है और भी जीरो नहीं होता है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मतलब विभव जीरो नहीं होगा लेकिन ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। देखिए वही कॉन्सेप्ट का फिर से क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर का एक स्फेयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक स्फेयर है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एक गोला है जिसका रेडियस 5, मतलब सर त्रिज्या जो है 5 है। तो जब 5 त्रिज्या थी तो उसमें जो हाँ तो उसके गोले के सतह में 10 वोल्ट पोटेंशियल था, विभव था, ठीक है 5 सेंटीमीटर रेडियस में। देन उसके सेंटर में बताना है तो आपको क्या होगा, तो आपको पता होगा मेरे भाई, अरे रेडियस तो सब फालतू दिया हुआ है, जब सरफेस पे 10 है, यहाँ जब 10 है पेन चेंज करना पड़ेगा। जब ये बताइए, जब इस सरफेस पे यहाँ पे 10 है तो सेंटर में कितनी होगी 10, क्योंकि मेरे भाई पोटेंशियल एट सेंटर आपको हमेशा पता है, पोटेंशियल एट सेंटर बराबर पोटेंशियल एट सरफेस, ये बराबर होते हैं दोनों। तो मेरे भाई 10, ये बिल्कुल मेकअप था। और मेरे भाई मैं आपको खुशखबरी के लिए बता दूं कि मेरे भाई ये NDA में भी आ चुका है, एयरफोर्स में भी आ चुका है, आप PYSQ देख लीजिएगा यदि आपको भरोसा नहीं है। तो मेरे भाई इस कॉन्सेप्ट को आपको पता होगा कि जो सरफेस में पोटेंशियल होता है वही सेंटर पे होता है, इसीलिए दोनों क्या हैं, दोनों 10 अगर सरफेस पे है तो 10 यहाँ है, लैंग्वेज में है, लड़कों को लगा न्यूमेरिकल है और लड़के बहुत सारे स्किप कर दिए और बहुत सारे करने की कोशिश किए लेकिन उत्तर नहीं आया, क्योंकि उत्तर क्वेश्चन में ही लिखा था, कॉन्सेप्ट तो ये लगना था, पता नहीं कहाँ के कॉन्सेप्ट लगा रहे थे लड़के, इसलिए यहाँ से बहुत सारे लड़कों के स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस गलत हुए थे। पोटेंशियल किस प्रकार मेजर होता है, पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है मेरे भाई, एनर्जी ऊर्जा की रूप में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में फिजिक्स भी हम करा रहे थे लेकिन ऐसा अग्निपथ में अचानक से ऐसी योजनाएँ आई कि हमें प्रैक्टिस सेट लाना पड़ा, वरना कॉन्सेप्ट पहले हमारे चल रहे थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पहले आप प्रैक्टिस करेंगे, पेपर फोड़ेंगे, इसके बाद में सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो जय हिंद जय हिंद जय हिंद, सपोर्ट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए, दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल पे कराए जाते हैं। PYSQ हैं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आए थे आपके प्रीवियस ईयर में। तो चलिए इतना ही।